अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क और सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट किश्वर नाजली। और हर जुमे की शब की तरह इस जुमे को भी आपकी समातों को खुशगवार करने के लिए लेकर आई हूं आपका प्रोग्राम जबाने इश्क। सबसे पहले हम अपने सामयीन का शुक्र अदा करेंगे कि उनके कॉमेंट्स, उनके फीडबैक्स, उनके लास्ट प्रोग्राम में जो हमें उन्होंने मोटिवेट किया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी एनर्जी होती है, हमारी मोटिवेशन बढ़ती है और हमें इस बात का इदराक होता है कि हाँ, हमारी काविशें जो हैं वो सही सिम्त की तरफ जा रही हैं। तो उसके लिए मैं और मेरी टीम हमारे सामईन की तहे दिल से मशकूर हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और हमारी इसी तरह से आप हौसला अफजाई करते रहें तो हम भी अपने काम को और बेहतर बना सकेंगे। जी तो मेरे प्यारे दोस्त, हम अपनी जिंदगी में एक बार जरूर इश्क करते हैं, जिसको हम मोहब्बत कहते हैं, कभी इन्फैचुएशन, क्रश, अट्रैक्शन, जो भी हम इस जज्बे का नाम देते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस जज्बे से जरूर मिलते हैं। और आज मैं यहाँ पर किसी और महमल से इश्क को नहीं ढांपूंगी, आज मैं मिजाजी इश्क की बात करूंगी। क्यों? क्योंकि इश्क मिजाजी ही आपको अपने अंदर पहले से मौजूद होने वाले बहुत से एहसासात जो आपके इल्म में नहीं होते उनसे रोशनास कराता है, और वही जज्बात और एहसासात पुख्तगी के साथ परवान चढ़ते हुए इश्क हकीकी की तरफ लेकर जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इश्क मिजाजी की अव्वल सिफत, जिसको मोहब्बत कहते हैं, ना तो हम उससे इनकारी हो सकते हैं और ना ही हम उसको इनसिग्निफिकेंट जान सकते हैं। अगर ये जज्बा इतना ही सरसरी होता तो अजल से उससे इतनी बातें ना हुई होती और अमीर खुसरू, गालिब, मीर, दर्द और बहुत सारे शोराए कराम इस जज्बे की बात करके मशहूर ना हुए होते। तो दोस्तों, इसके अलावा ये तो एक अलग बहस रहेगी कि इस काम का अंजाम हमेशा हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं होता, और मैं तो ये समझती हूँ कि नाकामी ही मोहब्बत में खूबसूरत एहसासात, जज्बात, अशार, अल्फाज को जन्म देती है। तो आज मैं आपके सामने आतिफ सईद साहब की एक गजल पेश करूंगी। इस गजल की खूबसूरती यह है कि इसमें मोहब्बत भी है और मोहब्बत से थोड़ी थोड़ी उलझन भी है। समाज फरमाइएगा आतिफ सईद साहब की गजल। कहने को मोहब्बत है लेकिन अब ऐसी मोहब्बत क्या करनी, कहने को मोहब्बत है लेकिन अब ऐसी मोहब्बत क्या करनी, जो नींद चुरा ले आंखों से, जो ख्वाब दिखाकर फूलों के ताबीज में कांटे दे जाए, जो गम की काली रातों से हर आस का जुगनू ले जाए, जो ख्वाब सजाती आंखों को आंसू ही आंखें दे जाए, जो मुश्किल कर दे जीने को और मरने को आसान करे, वो दिल जो प्यार का मंदिर हो, वो यादों को मेहमान करे। अब ऐसी मोहब्बत क्या करनी, जो उम्र की नकदी ले जाए और झोली फिर भी खाली हो, वो सूरत दिल का रोग बने, जो सूरत देखी भाली हो, जो कैस बना दे इंसान को, जो रांझे को फरहाद करे। अब ऐसी मोहब्बत क्या करनी, जो खुशियों को बर्बाद करे। देखो तो मोहब्बत के बारे में हर शख्स यही कहता है, सोचो तो मोहब्बत के अंदर एक दर्द हमेशा रहता है, फिर भी जो चीज मोहब्बत है कब इन बातों से डरती है, कब इनके बांधे रुकती है, जिस दिल में इसको बसना हो चुपके से बस ही जाती है, मोहब्बत हो ही जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये गजल आपको पसंद आई होगी और इसकी अल्फाज जो इसके अंदर एक उलझन पिन्हा है, इसको आप बखूबी समझ सकते हैं कि इसमें शायर क्या कहना चाह रहा है। तो इस तरह की अल्फाज और बातें यकीनन इस इश्क मिजाजी का ही करिश्मा होती हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम अपने इस प्रोग्राम की रिवायत को बरकरार रखते हुए आपके सामने अदब से मोहब्बत करने वाले, हमें खूबसूरत तहरीर से मुतारिफ